नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज जब टेक्निकल रेजिग्नेशन देने के उपरांत अपनी पुरानी पोस्ट से लोअर पोस्ट पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से नियुक्त होता है तो उसको वहां पर हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती जो उसकी पुरानी पोस्ट पर ड्यूटी जाए उससे हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तब उस अवस्था में उसको क्या वेतन दिया जाएगा, इस बात पर आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस विषय पर भारत सरकार के पब्लिक ग्रीवेंस डिपार्टमेंट के द्वारा एक ओएम ऑफिस मेमोरेंडम दिनांक 5/8/2020 को निकाला गया था, जिसमें बताया गया कि इस अवस्था में कि जब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी डिफरेंट सर्विस में या डिफरेंट कैडर में सबसीक्वेंट अपॉइंटमेंट पर लोअर पोस्ट पर अपॉइंटमेंट होता है तो उसको वेतन किन रूल के तहत मिलेगा, आज की वीडियो में इसी बात पर हम चर्चा करेंगे और पूरी डिटेल में मैं आपको ये समझाऊंगा कि उसका वेतन कैसे निर्धारण होगा, ऐसे कर्मचारी का किस रूल में होगा, फंडामेंटल रूल यहाँ पे लागू होते हैं। इन सारी बातों को डिटेल में आप वीडियो को ध्यान से देखिए, आप अपने स्क्रीन पर ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसीज एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट पे सेक्शन का सेक्शन 1 ओएम नंबर 12/2/2017 पे 1 डेटेड 5/8/2020 को ये हिदायतें जारी हुई थी, लेकिन बाद में इनको 14/9/2022 को पुनः इनको अपडेट किया गया ताकि सभी के ध्यानार्थ ये हिदायतें रहें कि जो ओएम नंबर 12/2017 सेक्शन की डेटेड 5/8/2020 की हिदायतें हैं वो कंटिन्यू हैं, वो अभी उसी तरह ही चलेंगी। किसके लिए? पे प्रोडक्शन ऑफ पे इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज ऑन देयर अपॉइंटमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैसे? सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट इन लोअर पोस्ट थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जब कर्मचारी एक पोस्ट को त्याग कर दूसरी अपॉइंटमेंट ग्रहण करता है और वो पहले वाली पोस्ट से लोअर पोस्ट है अर्थात लोअर रैंक है या लोअर पे लेवल की पोस्ट है और वहाँ पे क्या है, वेयर हायर ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर नॉट इन्वॉल्व्ड, और कहाँ, वेयर हायर ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर नॉट इन्वॉल्व्ड, जहाँ ये शर्त है, ये बात है, ये कंडीशन है, वहाँ पर ये फार्मूला लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी हुए पे प्रोटेक्शन के लिए कि कोई कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पोस्ट पे रहते हुए दूसरी पोस्ट जब अप्लाई करता है और उस पर अपॉइंटमेंट हो जाती है लोअर पोस्ट पे जहाँ पे हायर रेस्पॉन्सिबिलिटीज की उसकी ड्यूटीज नहीं बनती पुरानी पोस्ट की अपेक्षा, तो उसकी पे कैसे फिक्स होगी, कैसे प्रोटेक्ट होगी, पुरानी पे को प्रोटेक्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इन सब बातों का समावेश आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं। ये जो 5/8/2020 का ये ओएम है, इसमें बताया गया कि एप्लीकेबिलिटी किन पर एप्लीकेबल होती हैं ये हिदायतें, बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के वो सभी कर्मचारी जो टेक्निकल रिजाइन देने के पश्चात नई पोस्ट पे चाहे वो डिफरेंट सर्विस की हो या डिफरेंट कैडर में जा रहा है और लोअर पोस्ट पे जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में ही थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, उन पर ये लागू होंगी। और एलिजिबिलिटी कहाँ है? एलिजिबिलिटी दिशा निर्देश पे आधारित नहीं होती दोस्तों, एलिजिबिलिटी होती है रूल पर आधारित, और ये आपके रूल जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाई के पे फिक्सेशन के रूल है वो कौन से हैं, फंडामेंटल रूल का रूल नंबर 22। तो 22B1 जो रूल है उसमें पे प्रोटेक्शन बताई गई है इस प्रकार के कर्मचारियों के लिए, यहीं बताया कि यहीं पे जो है ना पे प्रोटेक्शन अंडर FR 22B1 विल बी एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट सर्वेंट इफ ही होल्ड्स ए लियन, यदि वो पुरानी पोस्ट पे अपना लियन रख रहा है, ऑन हिज प्रीवियस परमानेंट पोस्ट पे है लियन, तो ऐसा होगा क्योंकि लियन तो होता ही है ना,
लियन कब क्लियर होता है, जब वो प्रोबेशन क्लियर कर जाए तो उसका लियन बन जाता है स्पोर्ट्स टीम, और ड्यूरिंग प्रोबेशन तो छोड़ेगा नहीं, कुछ समय के बाद ही छोड़ता है, तो लियन तो वहां पे बन गया उसका, जब उसकी प्रोबेशन क्लियर हुई तो उस कर्मचारी के लिए जिसका पुरानी पोस्ट पर लियन है उसकी पे प्रोडक्ट होगी अंडर रूल FR 22B1 में। लेकिन साथ में इसमें यह भी प्रावधान कर दिया गया बी में, क्लास बी, नो स्टेपिंग अप ऑफ पे ऑफ सीनियर गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी अलाउड, कि जब कोई नया कर्मचारी आया ज्वाइन की उसने पोस्ट और वहां पे सीनियर कर्मचारी होंगे उससे पहले सीनियरिटी में लगे हुए, और क्योंकि ये पुराने पोस्ट छोड़ के आया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू टेक्निकल रिजाइन करके, तो पुरानी पोस्ट पे तो इसकी तनख्वाह वो प्रोटेक्ट करनी है ना, तो वहाँ वो तनख्वाह जो ड्रा कर रहा था उसके जो सीनियर आदमी हैं यहाँ पे नई पोस्ट पे, स्वाभाविक है उसकी तनख्वाह ज़्यादा होगी। तो ऐसे मामलों में कहा कि जो यहाँ नई पोस्ट के जो सीनियर आदमी हैं उससे सीनियर एम्प्लाई हैं वो इस बात का दावा नहीं कर सकते कि हमारी पे जो है ना स्टेप अप की जाए किसी रूल में 22B1-2 जूनियर गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्विस के, जो इस जूनियर आदमी को तनख्वाह मिली है उसके बराबर हमें स्टेप अप किया जाए, वहाँ के सीनियर आदमी ऐसा दावा नहीं कर सकते, उनको अलाउड स्टेपिंग अप का फायदा नहीं होगा। अब दोस्तों ये देखने वाली बात है, यहाँ पे हमें जानना जरूरी है कि 22B हमने जो पढ़ा ऊपर वन फंडामेंटल रूल का, ये क्या है, क्या प्रावधान है, इनका हमें ज्ञान होना चाहिए ना, तभी हम पे आगे चलेंगे ना। तो सबसे पहले हम इन्हीं बात का ध्यान कर लें, इन्हीं बातों का ज्ञान कर लें कि फंडामेंटल रूल 22B1 क्या है। इसमें कहा कि कोई भी कर्मचारी गवर्नमेंट सर्वेंट जो के अपॉइंटमेंट हुई है प्रोबेशनर एज ए प्रोबेशनर, क्योंकि जब नई पोस्ट पे आता है तो प्रोबेशनर होगा, इन अनदर सर्विस और केडर, जब दूसरी सर्विस के केडर में जाता है कैसे, सब्सिक्वेंटली कन्फर्म्ड इन दैट सर्विस और केडर, जब दूसरी पोस्ट पे जाके वो ज्वाइन करता है और वहाँ कन्फर्म हो जाता है तो उस के लिए ये पे है, पे ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, वो इस रूल के तहत गवर्न होगी। किसके द्वारा, समझे इस बात को, कि जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी एक पुरानी पोस्ट छोड़ के दूसरी पोस्ट पे सब्सिक्वेंटली कन्फर्म होता है जाके एज प्रोबेशनर ज्वाइन करता है और वहाँ कन्फर्म होता है, उसके लिए जब वो कन्फर्म हो जाएगा अर्थात प्रोबेशन पीरियड समाप्त होने के बाद वो वहाँ की पे का हकदार होगा, इस रूल में ये बताया गया है। अब और को कैसे है कि ड्यूरिंग, अब दो बातें आ गई, एक तो उसका प्रोबेशन चलेगा 2 साल का नई पोस्ट पे, उसके दौरान उसको क्या तनख्वाह मिलेगी, और जब उसका प्रोबेशन क्लियर हो जाएगा कन्फर्म हो जाएगा उस पोस्ट में तो उसको तनख्वाह क्या मिलेगी, इस बारे में हम जानेंगे आज। तो इसमें बताया कि जब वो प्रोबेशन पे होगा ही शैल ड्रा पे एट द मिनिमम ऑफ द टाइम स्केल, जिस टाइम स्केल में वो लगा है उसकी मिनिमम पे मिलनी चाहिए उसको, उससे कम नहीं मिलेगी, या और एट द प्रोबेशनरी स्टेज ऑफ द टाइम स्केल ऑफ द सर्विस और पोस्ट एज द केस में भी, और या सरकार के द्वारा कोई बताया गया अमाउंट के जी ड्यूरिंग प्रोबेशन उसको ये मिलेगा, या तो वो मिलेगी और या उसको मिनिमम ऑफ द पे लेवल जो है उसका, क्योंकि 1/1/2016 से 7th CPC के द्वारा पे लेवल जारी किए गए हैं, पे लेवल में पोस्ट हैं सभी, पे लेवल ड्रा हो रहे हैं, तो या तो वो ड्रा करेगा मिनिमम उस पे लेवल का जो उस पोस्ट का है, या सरकार के द्वारा ऐसा बताया गया उसके अपॉइंटमेंट लेटर में कि प्रोबेशनरी स्टेज पर रहते हुए उसको क्या वेतन मिलेगा वो मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रावधान किया, प्रोवाइडेड, ये ध्यान दें इस बात पर, प्रोवाइडेड दैट इफ द प्रिजम्प्टिव पे, ये प्रिजम्प्टिव पे क्या है समझना बहुत जरूरी है प्रिजम्प्टिव पे का, कि प्रिजम्प्टिव पे होती है जब कोई एक आदमी पीछे काम कर रहा है दूसरी पोस्ट पे तो, और उसको छोड़ के नई पोस्ट पे आया है तो जो वेतन जो सैलरी वो वहाँ ड्रा कर रहा था बेसिक पे, वह उसकी प्रिजम्प्टिव पे हुई पुरानी पोस्ट पे जिसको छोड़ के आया है, वही जिक्र कराया है कि
उसी का प्रावधान किया, प्रोवाइडेड दैट इफ द प्रिजम्प्टिव पे ऑफ द परमानेंट पोस्ट, क्योंकि परमानेंट पोस्ट छोड़ गया है ना, ऑन विच ही होल्ड ए लियन, जिस पर उसका लियन था, या और वुड होल्ड ए लियन हैड हिज लियन नॉट बीन सस्पेंडेड, या वो लियन वहां रखेगा जब तक के उसका लियन सस्पेंड नहीं हो जाता अगली कोर्ट पे, तब जाए कन्फर्म होगा ना जब वो वहां परमानेंटली अब्जॉर्ब होगा, अन्यथा 2 साल तक पुरानी पोर्ट पे उसका लियन सुरक्षित रहेगा, सस्पेंड नहीं होगा। यही बात उसने कही के उस परमानेंट पोर्ट की प्रिजम्प्टिव पे जिस पर उसका लियन है, या उसका लियन वो होल्ड कर रहा है, अभी वहाँ नहीं है पोर्ट पे, लेकिन लियन होल्ड कर रहा है और लियन उसका सस्पेंड नहीं किया गया, इस अवस्था में उसको जो प्रिजम्प्टिव पे वो ले रहा है वहाँ पे, वो ही शुड एट एनी टाइम बी ग्रेटर देन द पे फिक्स्ड अंडर दिस क्लॉज, यदि ये जो मिनिमम पे हमने या प्रोबेशनरी पे बताई है, यदि इससे ज़्यादा उसकी प्रिजम्प्टिव पे बनती है तो क्या होगा, ही शैल ड्रा द प्रिजम्प्टिव पे ऑफ द परमानेंट पोर्ट, तो वो अपनी प्रिजम्प्टिव पे ही ड्रा करेगा, ये विशेष प्रावधान किया गया है इसमें के प्रिजम्प्टिव पे से कम उसको नई पोर्ट पे वेतन नहीं मिलेगा, प्रिजम्प्टिव पे ही मिलेगी, और जब वो प्रोबेशन पूरी कर जाएगा नई पोस्ट का लियन उसको मिल जाएगा, पुराना लियन खत्म हो जाएगा उसका, तो उसको कौन सी तनख्वाह मिलेगी नई पोर्ट पे, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ प्रोबेशन, प्रोबेशन जो 2 साल का है उसका समाप्त होने के पश्चात, द पे ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, उस सरकारी कर्मचारी की का वेतन शैल बी फिक्स्ड, निर्धारित किया जाएगा इन द टाइम स्केल, यहाँ टाइम स्केल का शब्द आया दोस्तों, ये पे लेवल की बात है, जो उसका टाइम स्केल है, जो पे लेवल है उस पोस्ट का ऑफ द सर्विस और पोस्ट, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ रूल 22 और 22 रूल सी, जो भी है फंडामेंटल रूल का 22 और रूल 22 सी के अनुसार जो है ना, वो उसको वेतन निर्धारित होगा कब, ऑन कन्फर्मेशन इन दी सर्विस और पोस्ट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ प्रोबेशन, पहले तो प्रिजम्प्टिव पे लेता रहेगा जब तक प्रोबेशन चलेगा, और प्रोबेशन की समाप्ति पर उसकी पे फिक्स करेंगे किस तरह से, रूल 22 और रूल 22 सी के अनुसार, अर्थात वहाँ पे आगे हम देखेंगे कैसे होगी। अब दोस्तों इसके जो 5/8/2020 का जो कोएन है, इसके पैरा नंबर 3 में व्याख्या की गई है, क्या कि मेथड ऑफ पे फिक्सेशन, तरीका क्या होगा इसका पे फिक्सेशन का भी, जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, कॉन्सिक्वेंट अपॉन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 7 CPC, ध्यान देना इस बात पे, ये जो हिदायतें हम पढ़ रहे हैं, ये जान रहे हैं जिसके बारे में, ये 7 CPC लागू होने के बाद की हैं, अर्थात 1/1/16 को लागू होगी थी 7 CPC की रिपोर्ट, उसके बाद जो रूल 2016 के आए थे, कौन से, सेंट्रल सिविल सर्विस रिवाइज पे रूल 2016, इसके अनुसार द प्रेजिडेंट, हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय, इज प्लीज टू अलाउ प्रोडक्शन, उन्होंने प्रोडक्शन अलाउ की है किसकी, ऑफ पे, अभी जो किया गया पुरानी पोस्ट की पे प्रोडक्ट होगी कैसे, इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ले डाउन अंडर फंडामेंटल रूल है फॉर 22B1 के तहत उसकी पे निर्धारित होगी, वही जो हमने अभी ये 22B1 देखा है, इसके अनुसार ही सारी की सारी पे का निर्धारण होगा कब, जब वो सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट पे आया है। वही बात इसमें कही है क्या कि जो आगे हम इलस्ट्रेशन में भी देखेंगे, उदाहरण में भी देखेंगे, अब नीचे दिखाऊंगा मैं, मैनर ऑफ पे फिक्सेशन ऑफ पे गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर 22B1 कॉन्सिक्वेंट टू हिज अपॉइंटमेंट इन लोअर पोस्ट थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वेयर हायर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर नॉट इन्वॉल्व्ड, तो यही बात जो है ना हमने रूल में पढ़ी, वही बात इन्होंने यहाँ पे कही, लेकिन एक बात इसमें अब देखने वाली बात ये आई है जो समझनी जरूरी है, ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई ऑन हिज अपॉइंटमेंट टू ए पोस्ट इन लोअर लेवल इन डिफरेंट सर्विस और केडर इन सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट में ही उस
जो है किसी दूसरी सर्विस में जाता है, दूसरे डिपार्टमेंट में जाता है, दूसरे कैडर में जाता है, विच डज नॉट कैरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्रेटर इम्पोर्टेंस, जो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी की ड्यूटीज नहीं है उनमें क्या है, और हैविंग ए प्रोविजन ऑफ प्रोबेशन पीरियड इन न्यू पोस्ट, और नई पोस्ट पे भी उसका प्रोबेशन निर्धारित है, तो ड्यूरिंग प्रोबेशन वो प्रिजम्पटिव पे ड्रा करेगा, जो हमने अभी ऊपर ही देखी है। लेकिन साथ में ये कहा वो कैसे, ऑन रेगुलर बेसिस निरंतर लगातार लेगा, इफ इट इज हायर देन द मिनिमम ऑफ द टाइम स्केल, यदि ये क्या प्रिजम्पटिव पे उसकी मिनिमम से ज्यादा है तो वो प्रिजम्पटिव पे लेगा। और साथ में अब ये जो विशेष बात है देखिए, ही वुड आल्सो ड्रा एनुअल इंक्रीमेंट प्रिजम्पटिव पे, का मतलब ये नहीं जो पे छोड़ के आया, दो साल उसका प्रोबेशन है ना, उस दौरान यदि वो यहाँ नई पोस्ट पे ना आता, पुराने पोस्ट पे होता तो उसको इंक्रीमेंट मिलती रहती ना, तो वो इंक्रीमेंट हम नई पोस्ट पे भी उसको ड्रा करेंगे, वही लिखा है ही वुड आल्सो ड्रा एनुअल इंक्रीमेंट ऑन सच प्रिजम्पटिव पे, जो उसके प्रिजम्पटिव पे पर प्रिजम्पटिव इंक्रीमेंट हैं वो भी ड्रा होंगी। हाउएवर हालांकि इट इज टू बी एंश्योर्ड, यह जरूरी समझा गया, यह निश्चित कर ले क्या, ड्यूरिंग द प्रोबेशन, प्रोबेशन के दौरान प्रिजम्पटिव पे शुड ऑलवेज बी ग्रेटर, और ये ध्यान रखें इस बात का, ये सुनिश्चित करें कि ड्यूरिंग प्रोबेशन उसकी जो प्रिजम्पटिव पे हमेशा ज्यादा ही रहेगी, किसके, देन द पे ऑफ द न्यू पोस्ट आफ्टर ड्रॉल ऑफ इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट ड्रा करने के पश्चात भी जो उसकी प्रिजम्पटिव पे है वो ज्यादा ही रहेगी, ये सुनिश्चित करना जरूरी है, कम नहीं होगी कभी, कम कर ले। सब्सिक्वेंटली ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज प्रोबेशन, जब उसकी प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा दो साल का, हिज पे विल बी फिक्स्ड, दोबारा निर्धारित करेंगे उसकी पे कैसे, अंडर फंडामेंटल रूल है पर 22(1)(a)(2), इस रूल में दोबारा निर्धारित करेंगे, और प्रोटेक्शन ऑफ पे इन द अबव मैनर शुड नॉट एट एनी ऑफ दी स्टेज एक्सीड द मैक्सिमम ऑफ द लेवल ऑफ द न्यू पोस्ट इन पे मैट्रिक्स, आजकल 7CPC में पे मैट्रिक्स बोलते हैं इनको, पे लेवल का कहता है, इसका यदि नई पोस्ट पे जिस पे गया है उसका मैक्सिमम आ जाता है इंक्रीमेंट ग्रांट करते हुए तो उससे ज़्यादा नहीं देना, प्रिजम्पटिव पे तो देनी है, साथ में ये भी ध्यान रखना कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उसकी इंक्रीमेंट बढ़ाते रहो और नई पोस्ट जिस लोअर पोस्ट जो है जिस पे उसने ज्वाइन किया है सब्सिक्वेंटली प्रोबेशन एज प्रोबेशनर, उसका जो मैक्सिमम है पे मैट्रिक का वो एक्सीड ना कर जाए, अर्थात उसके मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं देनी है। तो ये प्रावधान है दोस्तों, अब आगे हम इसको उदाहरण के जरिए समझेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे तभी हमारी समझ में आएगा। उदाहरण दिया गया है, एन ऑफिसर वाज ड्राइंग पे ऑफ रुपीज 78,500 इन सेल 6 इन लेवल 11 और विद DNI ओन्स 1/7/18, ध्यान रखो इस बात की, बिफोर हिज अपॉइंटमेंट टू ए पोस्ट इन लेवल 10 ऑन 1/4/2018 विच डज नॉट कैरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्रेटर इम्पोर्टेंस देन दोज अटैच टू द पोस्ट हेल्ड अर्लियर बाय हिम बिफोर ही सच अपॉइंटमेंट, कि जिस वो 1/4/2018 को लेवल 10 में अपॉइंटमेंट हुई, लेकिन वो कर्मचारी था लेवल 11 का और लेवल बड़े के था ना, छोटी पोस्ट पे आया है और वहाँ पे छठे सेल में उसकी पे थी 78,500 रुपये और उसकी DNI थी डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट 1/7/18, क्योंकि 1 अप्रैल 2018 को लगा था, 1 जुलाई 2018 को इंक्रीमेंट लगनी थी और उसकी नई पोस्ट पर जो है ड्यूटी हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी की नहीं थी जो उसकी पुरानी पोस्ट पर थी, और यहाँ बताया देर इज ए प्रोविजन ऑफ 2 ईयर प्रोबेशन पीरियड इन न्यू पोस्ट, और नई पोस्ट पर 2 साल का प्रोबेशन है। तो ये उदाहरण आपके सामने है, इसको हम हल करेंगे। पहले जरा सा एक हम प्रिलिमरीज पर नज़र डाल ले, प्रथम दृष्टिया देख ले क्या है, कहता है जी सिंस द फर्स्ट सेल वैल्यू इन लेवल 10 ₹56,100, जो लेवल 10 है उसमें बताया ना कि मिनिमम मिलेगा कम से कम,
तो इसका जो लेवल 10 जिसमें अपॉइंटमेंट हुई 1 अप्रैल 2018 को, इसका मिनिमम ध्यान रखना 56,100 है। मैं नीचे भी दिखाऊंगा आपको, ये देखिए लेवल 10 का मिनिमम पहला सेल 56,100 बनता है। तो पहली बात तो हमने दिमाग में यही रखनी है। अब हम उसके 78,500 बेसिक पे को हम पे फिक्स करेंगे, लेवल 11 की है। हैंस ड्यूरिंग प्रोबेशन जो उसका नया नई पोर्ट पर 2 साल का पीरियड है, उसमें क्या करेंगे, ही विल ड्रा द प्रिजम्पटिव पे। ऊपर सिखा है ना हमने कि प्रिजम्पटिव पे ड्रा होगी, तो प्रिजम्पटिव पे कौन सी हुई जो ये ड्रा कर रहा था, इस क्वेश्चन में दी है, ये 78,500 ये हम ड्रा करेंगे लेवल 11 में ही ड्रा करेंगे। कब, नोन डेट ऑफ सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट 1/4/18 को। अगले इंक्रीमेंट की डेट उसकी 1/7/18 बताई है क्वेश्चन में, DNI 1/7/18, 1/7/18 को उसकी इंक्रीमेंट लगा करके 80,900 हो जाएगी, ये भी लेवल 11 में रहेगी। फिर अभी प्रोबेशन चल रहा है उसका, 1/7/19 आएगा, उसमें उसकी 83,300 हो जाएगी इंक्रीमेंट लग के लेवल 11 में ही, प्रिजम्पटिव पे में। और ये अब दोस्तों आगे हम चल रहे हैं, ऑन कम सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज प्रोबेशन पीरियड एंड ऑन कंफर्मेशन 1/4/2020, क्योंकि 1/4/2018 को वो लगा था, इसलिए उसका कंप्लीट हुआ प्रोबेशन पीरियड 1/4/2020 को। तो 1/4/2020 को जैसे उसका कंप्लीशन हुआ प्रोबेशन 2 साल का, तो उसकी हम पे फिक्स करेंगे फंडामेंटल रूल FR 22(1)(a) का 2 में। और वो कैसे करेंगे, 83,300 अवेलेबल पोर्ट थी 10 लेवल 10 में, उसमें हम क्या देखेंगे, जो उसकी 83,300 ये प्रिजम्पटिव पे है ना, या तो यही मिलनी चाहिए उसको लेवल 10 में। अगर जो ये स्टेज नहीं है तो नेक्स्ट अबव स्टेज मिलेगी, ये ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा फायदा कर दिया, कम नहीं मिलेगी, इससे अगली स्टेज मिलेगी। अगर जो ये 83,300 ही तो होती जो लेवल 11 वाली है लेवल 10 में होती, फिर तो इतनी ही मिल जाती, अदरवाइज उससे नेक्स्ट पोस्ट अब लेवल 10 में कौन सी है, 84,900 है, दिखाता हूँ मैं आपको। और ये सेल 15 की है, तो हम इसको ये फिक्स कर देंगे विद नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट 1 जनवरी 2021। यहाँ ये जो रूल 10 है सेंट्रल सिविल सर्विस रिवाइज पे रूल 2016 का, उसमें बताया गया कि 6 महीने जोन सी बेसिक पे हो जाएंगे, 1 जनवरी या 1 जुलाई को वो इंक्रीमेंट की डेट होगी। इसमें क्योंकि 1/4/2020 को इसकी पे फिक्स करी हमने 84,900, जिसके कारण जुलाई में इंक्रीमेंट नहीं बनेगी, क्योंकि 3 ही महीने हुए हैं, इसलिए इसकी इंक्रीमेंट डेट चेंज हो जाएगी, 1 जनवरी हो जाएगी। और वह कैसे होगी ये हम देखते हैं, ये देखिए, ये दोस्तों आपके राइट साइड में ये लेवल ऑफ पोस्ट दोनों दिखा रहा हूं मैं आपको, पुराने पोस्ट का भी लेवल 11 और नई पोस्ट का भी लेवल 10। लेवल 10 शुरू होता है 56,100 से और लेवल 11 शुरू होता है 67,700 से। इसमें वो यहां तनख्वाह ड्रा कर रहा था लेवल 11 की सेल 6 में 78,500, ये तनख्वाह कब ले रहा था, ऑन द डेट ऑफ सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट 1/4/18 को 78,500 इस लेवल में ले रहा था। और जो ऊपर हमने पढ़ा कि उसको सब्सिक्वेंट जो उसकी अपॉइंटमेंट हुई है, उसकी जो पुराने पोस्ट की प्रिजम्पटिव पे है, उसकी जो डेट ऑफ इंक्रीमेंट है, उसी तारीख को नेक्स्ट इंक्रीमेंट हम देंगे ड्यूरिंग प्रोबेशन नई पोस्ट पर। तो ये पहले इंक्रीमेंट इसकी ये लगी, दूसरी इंक्रीमेंट ये लगी, और हमें नई पोस्ट पे हम यहाँ ये पे फिक्स कर रहे हैं इसकी नई पोस्ट पे, ये देख, इसमें 1/4/18 को यही तनख्वाह ड्रा करी हमने 78,500, यही 78,500 क्योंकि प्रेजेंटेड पे है। और ये कौन से में करी, अंडर रूल FR 22(b)(1) में। तो इस तरह है दोस्तों, अब हम ये पे फिक्स कर रहे हैं इसकी नई पोर्ट पे। अब 1 जुलाई 2018 को जो इंक्रीमेंट लगी, यही एज इट इज हम इसको यहाँ लेवल 11 में देंगे। हालांकि अपॉइंटमेंट इसकी लेवल 10 में है, लेकिन क्योंकि रूल का प्रावधान है उसकी वेतन कम नहीं कर सकते हम। और फिर नई इंक्रीमेंट आएगी उसकी अगले साल की 83,300 हो जाएगी, यहाँ भी हम इसको 83,300 ही देंगे।
अब राष्ट्रीय 300 के बाद अब इसकी 1/4 20 आती है, जिस तारीख को लेवल 10 में इसका प्रोबेशन कंप्लीट होता है 2 साल का। इस दिन रूल में बताया है कि पुनः निर्धारण होगा, रूल है फॉर 22 वर्ण A का 2। यहाँ B1 था जो प्रिजम्पटिव पे दे रहे थे, 2 रूल लागू है, यहाँ पे रूल 22 वर्ण A का 2 लागू हो गया। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब इसमें हमने ऊपर देखा था कि या तो यही तनख्वाह दे देंगे लेवल 10 में छोटी पोस्ट पे, ये तो है नहीं, ये नहीं है। ये देखिए, ये 82,400 है या 84,900 है, ये लेवल 10 में दिखा रहा हूं मैं आपको। तो ये हम क्या करेंगे, इसको 82,400 तो दे नहीं सकते क्योंकि 83,300 है, तो इसको क्या मिलेगी, सेल 15 का 84,900 जो कि हमने पे फिक्स कर दी इसकी, और डेट ऑफ इंक्रीमेंट जो है इसकी चेंज हो जाएगी दोस्तों रूल 10 के अनुसार 1 जनवरी 2021, और 100 ON आगे फर्दर 1 जनवरी इसकी इंक्रीमेंट रहेगी। तो ये दोस्तों इस तरह पे फिक्सेशन होती है, कब, जब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाई अपनी पुरानी पोस्ट के सब्सिक्वेंट टेक्निकल रेजिग्नेशन दे करके नई पोस्ट ज्वाइन करता डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जरिए, और जिसकी हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी पुरानी पोस्ट के बराबर नहीं है, उस स्थिति में हम जो पे फिक्स होगी वो ये फार्मूला लागू करेंगे, इसके अनुसार ही पे देंगे। दोस्तों मैं हमेशा बताता हूँ कि कभी भी रूल नुकसान नहीं करता, अपनी वीडियो में, मेरी हर वीडियो में देखना, रूल फायदा ही फायदा करता है। हालांकि लोअर पोस्ट पे गया एम्प्लाई लेकिन पे प्रोटेक्ट हुई। अब बात आती है कि वहां पे जो कर्मचारी हैं जो उससे सीनियर हैं, स्वाभाविक का हो सकता है वो कोई 80,900 ले रहा हो 1 जनवरी को, एक इस दिन जिस दिन उसकी पे फिक्स हो रही है, हो सकता है कोई 78,500 ले रहा हो, और वो कहे कि जी ये तो हमारे से जूनियर है, हमारी भी स्टेप अप कर दीजिए सैलरी के, तो उसको अधिकार नहीं मिला, ये ऊपर बताया है। ये देखिए, एलिजिबिलिटी का बी क्लाज, नो स्टेपिंग अप ऑफ पे ऑफ सीनियर गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ पे प्रोटेक्शन ग्रांटेड अंडर FR 22B1 टू जूनियर गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्विस कैडर, स्टेपिंग अप का हकदार नहीं है। तो ये देखा दोस्तों आपने कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाई जब एक पोस्ट को त्याग कर टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से डिफरेंट सर्विस में डिफरेंट कैडर में लोअर पोस्ट पर ज्वाइन करता है, लोअर पोस्ट पर नियुक्ति प्राप्त करता है और वहाँ उसका प्रोबेशन पीरियड भी है, तो ड्यूरिंग प्रोबेशन उसको क्या वेतन मिलना चाहिए और प्रोबेशन समाप्त होने पर, कंप्लीट होने पर उसको क्या वेतन मिलना चाहिए। आपने देखा कि सरकार के फंडामेंटल रूल जो हैं, रूल 22 के द्वारा जो प्रावधान किए गए हैं उनके अनुसार हमने इस प्रकार का वेतन निर्धारण करना सीखा। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, पहले भी मैंने वीडियो दिया हुआ पे फिक्सेशन पर, और दोस्तों आगे भी अभी 2-3 प्रकार की और पे फिक्सेशन आनी है जिनके बारे में आपको मैं समय समय पर वीडियो इसी तरह बेहतरीन से बेहतरीन रूप में आपको वीडियो दूंगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को पूर्व की भांति लाइक और शेयर करें, और जो मेरे चैनल से अभी भी जुड़े हैं वो मेरे चैनल को बेल आइकॉन का बटन दबाकर सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि यदि किसी कर्मचारी की कोई भी सर्विस मैटर पर, किसी भी विषय पर कोई समस्या है तो जो वीडियो में नीचे मेरा चैनल का ऑफिशियल मोबाइल नंबर दिखाया जा रहा है वो इस नंबर पर मुझे कॉल करके ऑनलाइन एक्सपर्ट एडवाइस कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। देखते रहिए मेरे वीडियो, आने वाले वीडियो की इंतजार कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।